हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमडिजन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फैन है, यहाँ पे मेरा पोर्टेबल फैन है 6 इंच का। तो ये जो मेरा 6 इंच का पोर्टेबल फैन है, इस फैन के जो कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट देखोगे तो कॉम्पोनेंट में यहाँ पे स्लाइडर है और कॉम्पोनेंट में यहाँ पे लिफ्टर है। तो आपका जो केस करने वाला हो, आज के केस में स्लाइडर भी होगा प्लस लिफ्टर भी होगा। और जो आज का जो केस होंगे, इस केस में मैं आपको कंपोनेंट भी साथ में शेयर कर दूंगा और इसको हम कंप्लीट केस बनाएंगे। इसको हम सिंगल कैविटी बनाएंगे, कंप्लीट केस बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे मोल्ड विजार्ड के थ्रू। तो आज का जो लेक्चर होगा, कंप्लीट मोल्ड विजार्ड के थ्रू कैसे कंपोनेंट बनाना है असेंबली में ऊपर स्टैंडर्ड चीजें यूज करके, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसमें। मैं जब भी मोल्ड विजार्ड में काम करूंगा तो आपको ये बताऊंगा, अगर इसको मैन्युअली बनाएंगे तो इसमें कैसे बनाना पड़ेगा, और विजार्ड के थ्रू बनाएंगे तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा, दोनों में फर्क क्या आएंगे, दोनों में क्या क्या देखना पड़ेगा, तो सारा चीज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो सबसे पहला जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं क्या कर देता हूँ, सिंकेस को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मोल जो बना रखा हो, जो प्रीवियस क्लास में बना रखा हो, तो वहां से मैं इसको सिंकेस को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो मेरा कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट की सिंकेस क्या है। कंपोनेंट में जो आपको कोई भी कंपोनेंट मिलता है, आपको आज जो तरीका बताने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, कभी भी आपके पास कंपोनेंट मिलता है तो कंपोनेंट की स्ट्रिंकेस क्या यूज कर रखा है, इसको पता लगना है। तो यहाँ पे कैसे पता लगोगे, ये तो कंपोनेंट है, इसको बोल दूं मैं आपको नहीं बताऊँ, जिसमें मैं पीपी का यूज कर रहा हूँ या एबीएस का यूज कर रहा हूँ या मैं पीसी का यूज कर रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, आपको तो कंपोनेंट भेज दिया। तो इसको निकालने के लिए तरीका होता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम जो है इसकी रेडियस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रेडियस निकालने के लिए आप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में चले जाते हो, इसमें जाके आप इसको रेडियस में आप क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, 2.10 का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितने का रेडियस यूज कर रहा है, 2.502, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा, मतलब मुझे राउंड वैल्यू दिखना है, तो मैं राउंड वैल्यू देखूंगा, यहाँ पे कितना है, 3.9, ये मेरा काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा बड़ा वाला रेडियस कितना है, 1 का, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1.005 का है, तो कोई भी रेडियस 1.005 का तो होता नहीं है। 1 का डालोगे, 1.5 का डालोगे, 2 का डालोगे, ऐसे होता है ना, कतर के अकॉर्डिंग डालते हैं ना हम। जैसे मेरे पास कतर होता है, मैं 1.5 का डालूंगा, 1 का डालूंगा, उसके हिसाब से हम डालते हैं। 1 का कतर डालते हैं तो 2 का, 1 का रेडियस डालते हैं तो 2 का कतर चलेगा वहां पे, 1.5 का डालेंगे तो 3 का चलता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 का रेडियस नहीं, यहाँ पॉइंटों में है, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ नहीं है, इस कॉम्पोनेंट में ऑलरेडी श्रिंकेज एड करा हुआ है। तो इसको जो आता है ना, ये जो श्रिंकेज होके आता है, जैसे 1.005, ये बेसिकली जो है एबीएस का श्रिंकेज डाल के रखा है। तो ये जो कंपोनेंट है, आपको पता लग गया, ये कंपोनेंट जो है आपका एबीएस का है। एबीएस का हम श्रिंकेज कितना लेते हैं, 1.006, 1.005, ठीक है। कोई 1.005 लेता है, कोई 1.006 लेता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट की श्रिंकेज निकाल सकते हो। उसके बाद जो है हम इसको कंपोनेंट को श्रिंकेज को हटाएंगे, हटाने के लिए फॉर्मूला होता है 1/1.005, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंपोनेंट, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, करने के बाद यहाँ पे सिंपली जाके मैं स्केल बॉडी कर दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बढ़िया से मैंने सारा चीजें बता दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो है सेंटर से होगा और यहाँ पे पेस कर दूंगा, पॉइंटों में है, पूरा वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा कॉम्पोनेंट क्या है, श्रिंक हो गया। तो मेरे पास ऑलरेडी जो कॉम्पोनेंट में श्रिंक हो रखा है, तो इसको मैं एक्यूरेट साइज में ले आएगा। सबसे पहले ये करना बहुत जरूरी है, कोई भी आपके पास कंपोनेंट आता है, देखो अभी A1 का है ना, तो ये बेस्ट है, इस हिसाब से आपको कंपोनेंट को पहले वेरीफाई कर लेना। दूसरा चीजें वेरीफाई करने के लिए, जब भी मोल्ड विजार्ड में काम करते हो तो ये इतना होना चाहिए, ये जो है ये पार्टिंग में होना चाहिए। तो बेसिकली इसका जो पार्टिंग होगा, ये एज है, यहाँ से पार्टिंग होगा, तो ये पार्टिंग में लाइव हो रहा है, दूसरा चीजें ये देखना है। तीसरा चीजें इसकी, जब मोल्ड आप विजार्ड में के लिए जाते हो, तीसरा चीजें आपको ये देखना है कॉम्पोनेंट में प्रॉपर तरीके से कंपोनेंट ड्राफ्ट है कि नहीं। अब कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, बताता हूँ अभी, आप रुको, इसको पहले देख लेते। तो कंपोनेंट वेरीफाई है, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है बेसिकली, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ सकता है, बाकी सारा चीजें ओके है। यहाँ पे अंडरकट्स है, तो अंडरकट्स है पता लग गया मुझे पहले ही, ठीक है। तो कंपोनेंट ठीक है, जब भी आप कंपोनेंट किसी मोल्ड फ्लो के थ्रू आप रन करवाते हो, तो कंपोनेंट में हम क्या करवाते हैं, कंपोनेंट को हम मोल्ड वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। मोल वैलिडेशन में हम क्या देखते हैं, कंपोनेंट की कोर कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, कंपोनेंट की पार्ट क्वालिटी देख लेते हैं, तो इसको हम एनालिसिस करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ड्राफ्ट एंगल कितना ले रखा है, 0.3, तो यहाँ पे जहां जहां कम होंगे ना, इसके हिसाब से हम पार्ट को पहले एनालाइज कर लेंगे, पार्ट में क्या दिक्कत है, पार्ट में या रेडियस कम है, पार्ट में अंडरकट है, पार्ट में ड्राफ्ट कम है, ठीक है। तो सारा चीजें आप इधर से आप निकाल सकते हो, कितना क्या चीजें होंगे आप देख सकते हो, कि पैचिंग सरफेस क्या है, अनस्प्लिट सरफेस क्या है, फेसेस क्या है। तो कैसे देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोर कैपेसिटी ओके है, ठीक है।
ड्राफ्ट में हम देखेंगे, तो अब यहाँ पे ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट है इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या है ड्राफ्ट एंगल पास विथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे पास है, ठीक है। नंबर ऑफ थ्री सब्जेक्ट है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, मोर डिटेल पे जाओगे इधर में आप और देख सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितना कितना साल से ये लॉग एरर सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो, तीन रिपोर्ट बन के आए, ठीक है, पास है। तो यहाँ पे जो सेमेंस की जो होती है ना, एच डी थ्री डी जो होती है सेमेंस, जो ऑटोमेटिक चेक करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा चीज़ें साफ है नहीं। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई, तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो लास्ट बार जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, कंपोनेंट को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने से पहले कंपोनेंट को आपको सेव करना चाहिए। तो कंपोनेंट को हम काम कहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे प्लेट करके ना फैन अंडरस्कोर रखना हमेशा, ठीक है। तो मोल बिजट में जरूर करना फैन कवर, ठीक है, 6 इंच वाला। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सबसे पहले सेव करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, करने के बाद यहाँ पे मेटल क्या लेंगे, हम एबीएस लेंगे। देखो यहाँ पे एबीएस में क्या आ रहा है, 1.006 का आ रहा है, तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके, यहाँ पे मैं आपको ये जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, पूरी कंप्लीट केस कराऊंगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर रखा हूँ। इसके लिए अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप अलग से वीडियो मांग सकते हो, मिनीमीटर में रखूंगा, इंच में नहीं रखूंगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्पोनेंट है ऑटोमेटिकली असेंबली में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिकली कितना नंबर, नेक्स्ट पार्ट नंबर 25 तक कन्वर्ट हो गया ये। तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया भाई, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, सारा चीजें करके दिखाऊंगा और जो बताऊंगा एक एक चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना कहाँ पे क्या चीजें यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या देखना है, सब आपके पास इधर आएंगे। तो यहाँ पे देखो कॉम्पोनेंट जो है असेंबली में कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया मेरे पास। तो दूसरी चीजें आपको ये देखना है, जब भी आपके पास कंपोनेंट बन के आता है उस कंपोनेंट की मोल सीवाईएस सही है कि नहीं। मोल सीवाईएस बोले तो जैसे मेरा यहाँ पे पार्टिंग लाइन पे ये फेरी है कि नहीं, अगर नहीं फेरी है तो हम इसको यहाँ से ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जेड लॉक है, तो जेड मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। थर्ड मेरा जो कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट को मुझे ये देखना है, इसकी मुझे साइज देना है। तो यहाँ पे मैं श्रिंकेज डाल रखा हूँ, यहाँ पे मैं वर्क पीस दूंगा, जो मैं वर्क पीस दूंगा देखो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, कंपोनेंट हम इसमें इंसर्ट से बनाएंगे, इंसर्ट मोल्डिंग से बनाएंगे, तो मैं ये इंसर्ट का साइज निकाल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्सेट कितना लग रहा हूँ, 23 mm है और इधर भी 23 point something है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 के जगह मैं इसको 25 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, मैं कॉन्स्टेंट को हटा के 25 डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से इधर भी मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं कॉन्स्टेंट को लेकर 25 कर दूँ, 25 20 में 5 में पार्सेट बढ़ा दिया। इधर भी मैं इसको मैं कॉन्स्टेंट करके 25 mm बढ़ा दूंगा। अब 25 mm बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा आपको 25, ठीक है, 25 mm। तो यहाँ पे कंपोनेंट जो है हिले ना, इसके लिए हम लोकेटर डालेंगे यहाँ पे कि कंपोनेंट जो है मिस अलाइन ना हो। और दूसरी चीजें यहाँ पे हाइट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 mm हाइट बहुत कम है, एटलीस्ट मैं 30 mm लूंगा, कूलिंग भी है भाई। और यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी हाइट कम है, इसको भी 120 mm कर क्लियर। अब मेरा जो है वर्क पीस है, जो मेरा इंसर्ट बनने वाला है, इसकी मुझे साइज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसको साइज वगैरह निकाल लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ तक जैसे साइज आ जाएंगे, पार्टिंग आपके यहाँ पे बनेंगे, इसको मैं रख लेता हूँ इधर में। अब इसको टाइम टू टाइम आपको इसको सेव ऑल कर लेना है, टाइम टू टाइम आपको सेव ऑल कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप बनाओगे एक पार्ट के एक टाइम के बाद इसको सेवल करते आपको रखना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें इसमें आपको ये बताऊंगा, सेविंग हो रहा है क्योंकि पूरा असेंबली में है, सारा असेंबली सेव होगा। ये जो है फिलिंग के लिए, गेट के लिए आती है, ये कूलिंग सिग्नल के लिए बन रखा है, ठीक है। तो अलग अलग ये लेआउट के लिए बना रखा है, तो इसमें सारा चीज़ आपको पता लग जाएगा आगे कैसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका है इसको हम शेक रीजन कर देंगे। शेक रीजन पे हम क्या लिखेंगे, जो मेरा कॉम्पोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं प्रोडक्ट डिजाइन और वर्क पीस दोनों को ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा प्रोडक्ट डिजाइन है, तो दोनों को मैं दोनों प्रोडक्ट डिजाइन ये वर्क पीस है ओपन कर रखा हूँ। उसके बाद इसके डायरेक्शन फैक्टर हमेशा मोल्डिंग डायरेक्शन पे होना चाहिए, या अगर कंपोनेंट दे रखा है आपको, इसको मोल्डिंग एक्सिस दे रखा है तो एक्सिस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, फिर जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
तो कैलकुलेट करने की बात आपको ये देखना है, थोड़ा सा टाइम लगेंगे सब कैलकुलेट होने में। तो दोस्तों जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबी भी आप इस कंपोनेंट को अगर आप मैन्युअली बनाने लग जाओगे ना, तो आपको एक घंटा लग जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं आपके साथ बात करके बना रहा हूँ, इसको मैं 10 मिनट में बना लूंगा। तो कहाँ पे मोल विजार्ड का यूज करना है, कहाँ पे मोल मैनुअल का यूज करना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शेक रीजन पे जाके इसको मैं शेक रीजन कर दूंगा। अब दोस्तों कहानी आता है इधर में, ये जो पार्टिकल फ्रेसेस है अननोन, ये आपका स्लाइडर के लिए होता है। ठीक है, स्लाइडर लिफ्टर के लिए होता है, ये होता है ड्राफ्ट कम के लिए। ड्राफ्ट कम के लिए मतलब अभी समझा देता हूँ। ये देखो, ये जो ब्लू एरिया है ना, ये ब्लू एरिया कोर में है, और जो आपकी ऑरेंज वाला एरिया है, तो ये जो एरिया है ना, ये आपका केबीटी में आएंगे। लेकिन ये सर्टेन है, इसमें अनडिफाइंड है। देखो ये वाला अनडिफाइंड फेस है। ठीक है, ये जो आपका, ये देखो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये आपका स्लाइडर में है। तो इसमें मैं किस में लूंगा, इसको मैं केबीटी में लूंगा। तो यहाँ पे केबीटी में सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ होता ना तो मैं कोर में लेता, इसको मैं केबीटी में लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑरेंज में आ जाएगा। लेकिन सम 32 फेसेस है, तो ये जो 32 फेसेस है ना, ये भी अंडरकट में आ रहा है। ये वर्टिकल वर्टिकल है, तो ये नहीं डिफाइन कर पा रहा ये अंडरकट है या इसमें ड्राफ्ट नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, इसको भी हम केबीटी में लेंगे, क्योंकि बाहर के साइड है। ठीक है, तो हम ओके करके केबीटी में ले लेंगे। तो यहाँ पे 0-0 होना चाहिए जब भी इसको ओके करोगे। अब मैं ये देख सकता हूँ जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ये देख सकता हूँ मेरा कंपोनेंट में क्या है। देखो ऊपर से ये मेरा जो है कोर में जाएगा, और इधर वाला जो एरिया होगा, इधर से मैं दिखाता हूँ ये वाला, देखो कि यहाँ मेरा केबीटी में है। इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ से ओके करने से पहले आपको ये 0-0 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 होगा तभी आप यहाँ से ओके कर सकते। तो मेरा अभी क्या बन गया, कोर केबीटी का जो मेरा है रीजन बन गया। उसके बाद जो जितना भी पैच है ना, सारा पैच आपको क्लोज करना है। तो मैं क्या करूंगा, पैच बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको एक कमांड सिखाऊंगा, सारा पैच आपका खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या जाऊंगा, मैं पैच सरफेस में जाऊंगा। इसको भी मोल्ड विजार्ड का क्लास वगैरह करना है, नंबर मेंशनड है, आप वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोल्ड विजार्ड का क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहता है। तो आपको टिपिकल सा कंपोनेंट में कराता हूँ। ठीक है, तो सीधी सिंपल कंपोनेंट में तो कराता नहीं। तो यहाँ पे जाके सीधा यहाँ पे बॉडी लूंगा और यहाँ पे कंपोनेंट को सिलेक्ट करूँ। जैसे आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, तो सारा चीजें जितना भी लूप है, बेसिकली लूप होता क्या है, तो लूप होता है आपका ये सरफेसेस होता है, इसको लूप होता है। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ये जितना भी पैच है ना, अब मान लो इसको एक एक करने में कितना टाइम लगता, और यहाँ पे आपका 2 मिनट में सारा पैच खत्म, आपका 2 मिनट में सारा पैच खत्म, बताओ कितना टाइम आपका मैंने सेविंग कर दिया। तो ये होता है सीजे का, जब सीजे आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में सीखते हो, तब सीजे यूज करने सीख जाते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है सारा सीजे बनाना। जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना रेड कलर में, तो यहाँ पे मे भी कुछ सरफेस में गड़बड़ है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, बेसिकली गड़बड़ नहीं है, वो मैंने करके रखा हो, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होता है ना, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या सोल्यूशन करोगे, वो भी मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो प्रॉब्लम आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका यूज करेंगे, ये मैं आपको इसको सिखाने के लिए जो है इसमें गड़बड़ी करके रखा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसको होने दो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको होने दो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह सिखाते रहता हूँ। जो भी कराऊंगा आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए बना रहा हूँ, जो भी कार्ड कराऊंगा उस पार्ट की असेंबली खोल के प्रैक्टिकली कराऊंगा। ठीक है, जिसको भी सीखना है, स्टैंडर्ड पार्ट में सीखना है, इंटरनेशनल लेवल में सीखना है, तो आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सारा चीजें हो गया, लेकिन ये गलती हो गया भाई, ये क्या आ गया, मेरा गलती हो गया, अरे मैंने तो सही नहीं बनाया है, तो मेरा गलत हो गया। बेसिकली ये गलत नहीं है। अब ऐसे एरर्स आता है किसी सरफेस में, मान लो पैच नहीं लग रहा है आपका, ऐसे एरर आता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, ये बात जो है यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने देखा इस सरफेस को हाइड करके, देखो यहाँ पे पैच नहीं लगा, तो ये पैच की वजह से यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, यहाँ पे आता हूँ फीचर्स, देखो यहाँ पे जिसमें प्रॉब्लम है वो ऐसे खोल के रेडी कर देगा, ऐसे मतलब ये सब ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम है ऐसा इसको खोल देगा। तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिशर्स ग्रुप, देखो यहाँ पे क्या, डू यू वांट टू डिलीट दिस ग्रुप, दिस ग्रुप में ऑल द मेंबर्स, द फिशर्स ग्रुप ऑल द मेंबर्स, मैं कहूँगा ओनली ग्रुप फिशर्स एंड मेंबर, मतलब पूरा, नहीं तो ये कार्ड रह जाता, ओनली ग्रुप हट जाता। मैंने इसको मेंबर को भी हटा दिया और ग्रुप को भी हटा दिया। ठीक है, अब भाई ये देखो आप, सारा चीजें मेरा तो बन गया, लेकिन ये छोटी सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है, अगर मैं इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है दिखाता हूँ मैं। अगर जैसे हम मैनुअली बनाते हैं, मैनुअली जब बनाते हो आप, तब इसको मान लो एन साइडेड सर्फेस में ले रहा हूँ। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे एन साइडेड सर्फेस भी लेगा ना, इसको पैच सर्फेस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बना सकते हो। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ये देखो पैच नॉब ओपनिंग, यहाँ पे गैप है, प्रॉब्लम है ना। तो इसको मैं अगर अपडेट डिस्प्ले कर दूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, सिलेक्ट नहीं होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसमें हम मैनुअली करेंगे तो कितना लंबा प्रोसेस होगा, कार्ब लगाएंगे फिर इसको क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा मोल विजार्ड में, जाऊँगा मैं यहाँ पे पैच सरफेस में, अगर आप मैनुअली बनाते हो ना फिर इसको बाद में पैच सरफेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट, नहीं करोगे तो ये एज ए पैच सरफेस, उसको नहीं बताना ये पैच सरफेस है कि सर्फिंग पार्टिंग सर्फेस है, तो उसको तो बताना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी बताना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, ट्रांसवर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, लाइक यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गैप है, ब्रिज दिस गैप, आपको गैप को खत्म करना चाहते हो, यस मैं ब्रिज करना चाहता हूँ, देखो ब्रिज कर दिया मैंने गैप को, यहाँ पे खत्म होके यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये पैच सरफेस बन। तो यहाँ पे कितना ईजी है, देखो आपको अलग से सरफेस नहीं करना है, बस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ब्रिज होगा, बहुत तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। तो मेरा क्या है, पैच सरफेस बन गया, मैंने बहुत इजी तरीके से पैच सरफेस बना दिया। अब मैं यहाँ पे डिफाइन रीजन करूंगा, डिफाइन रीजन में क्या होता है, आपकी जो ये रीजन है, जो 29 सरफेस का रीजन है, इसको हम क्रिएट रीजन करेंगे, क्रिएट रीजन, क्रिएट पार्टिंग लाइन करके इसको ओके कर, इसमें करना नहीं है, सिंपली आपको ओके कर देना है। बाकी जो है केविटी रीजन ऑलरेडी डिफाइन है, केविटी में बहुत सरफेस है, कोर में कम सरफेस होता है, इसीलिए जब भी हम डिजाइन करते हैं पहले कोर को बनाते हैं, पहले कोर को बनाते हैं, मतलब केविटी का सरफेस लेके पहले हम कोर को बनाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा बन गया है, अब उसके बाद जो है इसकी पार्टिंग सरफेस बनाऊंगा, ठीक है। पार्टिंग सरफेस देखो एक ही सेगमेंट है, अगर अलग अलग सेगमेंट होता तो सही था। अब मैं यहाँ पे सीधा क्या बाउंडेड प्लेन, मतलब फ्लैट है, 90 है, ठीक है, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये मेरा 90 है, तो मशीनिंग जो है मैं यहाँ पे एन मिल से कर लूंगा, ठीक है। आपको ये भी देखना है मशीनिंग करना है, कभी कभी लोग क्या करता है, स्लोप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई बेकार है भाई, बहुत बेकार है, आप मशीनिंग का टाइम बना रहे हो, बाद में हम मशीनिंग को करने के लिए अलग से स्लॉप लगाते हैं, अलग से क्लॉक आर्ट लगाते हैं, बहुत कुछ चीजें करना पड़ता है मशीनिंग को सेव करने के लिए, जब तुम ऑटोमोबाइल मोल में काम करोगे, बड़े बड़े मोल पे काम करोगे, आपको नहीं पता है तो बहुत लोग जो है क्या कर देता है, अंदर की तरफ कर देता है, एंगल में कर देता है, ऐसे नहीं होता है, एक्चुअल में बहुत कुछ चीजें चेंज होता है जब मोल्ड डिजाइन में एक्चुअली करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एडिट पार्टिंग लाइन एंड पार्टिंग सरफेस, मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं है, सारा चीजें मेरा ऑलरेडी एडिट है, देखो ना मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद करेंगे डिफाइन कोर एंड कैविटी, तो सबसे पहले कैविटी निकालते हैं, ठीक है, नो इंटरसेक्शन क्वारी, ओके। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आपकी जो है कैविटी बन रहा है, ठीक है। और जब भी पार्टिंग बनाओगे तो आपकी बॉक्स है, इस बॉक्स से पार्टिंग लाइन बाहर निकलना चाहिए, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत है, बन गया परफेक्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, कोर बनाएंगे, कोर, ठीक है। अब कोर बन रहा है, कोर में क्या है, लिप्टर है, कैविटी में क्या है, स्लाइडर है, ठीक है, ओके। तो कोर एंड कैविटी दोनों यहाँ पे आपका बन गया, आपको ओके करके इसको ओके कर, आपका जो है कोर कैविटी रीजन बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल रीजन को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑल रीजन करोगे तो एक बार में हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे सारा चीजें, तो यहाँ पे कोर कैविटी मैंने इसलिए करा है, ठीक है। अब देखो ये मेरा इंसर्ट बन गया, ये मेरा इंसर्ट बन गया। अब इसको जो है आपको कोर कैविटी में ले जाना है, तो विंडो में जाके यहाँ पे टॉप वाले पार्ट में, टॉप मतलब असेंबली वाला जो मेन असेंबली है उसमें आ जाएंगे, असेंबली में आओगे तो भाई देखो कोर केमिति आपका बन गया। तो कितने मिनट में बनाया, आपसे बात करते रहा 5 मिनट तो मैंने आपको श्रिंकेज वगैरह इंट्रोडक्शन में ले लिया है ना, बाकी तो 10 से 12 मिनट में कोर केमिति खत्म, एकदम इजी तरीके से बना दूंगा कोर केमिति खत्म। अगर इसको मैनुअली बनाओगे ना एक घंटा लगा लेते आप, कैच मार 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 के इतना इजी तरीके से बनाए। अब इसकी मैं आपको स्लाइडर लिफ्टर बनाना सिखाऊंगा, तो देखना यहाँ तक देख लिया ना, तो नेक्स्ट वाला पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट में बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है इसको हम कर लेंगे ओपनिंग विंडो कर लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये देखो ये ऐसा है, ये एंगल पे है, ये एंगल पे है, ऐसे एंगल पे है, मतलब ये स्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे जो स्लाइडर चलेगा ना ये तिरछी चलेगा, ऐसे चलेगा स्लाइडर, है ना। स्ट्रेट बनाने का गलती मत कर देना, मेरी मशीनिंग नहीं हो पाएगी भाई, पहले बता दे रहा हूँ, मशीनिंग नहीं हो पाएगी आपकी, स्ट्रेट बनाने की गलती मत कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
देखो कितना प्यारा बन गया, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटेड है रेड कलर का कौन सा मशीनिंग एरिया है, ये आपके पैच एरिया है, सारा चीजें हाईलाइटेड है, कितना बढ़िया से बना, ठीक है ना। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये बात थोड़ा सा वीक स्केल बन जाएगा ना, इसको हम मेटेरियल दे सकते हैं, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी जो है इसकी इंसर्ट को निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन इन विंडो करा, अगर आपको फाइल चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से देख के पूरा फाइल को बना सकते हो, ठीक है। जिससे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना मेल आईडी डाल देना, मैं इसकी पूरा फाइल जो है शेयर कर दूंगा। सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें है, और इसके अगर एडवांस सीखना है नंबर मेंशन दे, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स इसको सिलेक्ट करूंगा भाई, उसके बाद यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला फेस, उसके बाद मैं इस वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, सिलेक्ट कर दूंगा इस फेस को, सिलेक्ट करा। अब उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, उसके बाद आपको सीधा रिप्लेस, डन डन है ना। उसके बाद आपको करना यू है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, इस सरफेस से हम इसको राइट क्लिक करके ये वाला सरफेस के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये सरफेस को हम इस वाले सरफेस के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, कर दिया ना। अब इसकी डायरेक्शन मुझे तो मिल गया, मैं क्या करूंगा इसको यहाँ हटा के यहाँ पे रिप्लेस ही कर लेता हूँ। चलो देखो, अब मैं एक कमांड ऑलरेडी एक्टिव है, इसीलिए ये मेरा बैकग्राउंड जो है काम होने के बाद ऑटोमेटिकली पहले वाले कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 90 में होना से। पर ध्यान रखने वाली ये बात ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है एरिया है बहुत कम है, एरिया जो है बहुत कम है, सुनना ध्यान से जो बता देने जा रहा हूँ, यहाँ और ये कितना है, 3 mm होगा, कितना है, 2.5 mm, ये तो वीक स्टील है भाई, ये ब्रेक हो जाएगा, ये देखेगा नहीं। तो मैं तो लेकिन मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में मैं मार्क नहीं आने दूंगा, मैं क्या करूंगा, इतना वाला जो एरिया है यहाँ तक इंसर्ट में बनाऊंगा, इसको जो है अलग तरीके से बनाऊंगा। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को मैं ये जो स्लाइडर का मार्क है ना, कंपोनेंट में मार्क नहीं आने दूंगा, बस स्लाइडर में रखूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मेटल करके इसको वीक स्केल को मैं डिवाइड कर दूंगा, इस तरीके से बनाऊंगा कि कंपोनेंट उतना ही रहे, वीक स्केल मेरा हट जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, मतलब समझाऊंगा ना, तो मैं मोल्ड विजेट में ले आता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं कैसे काम करूंगा, इस कंपोनेंट में कैसे काम करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक कोटेशन देना है बेसिकली, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये जो है एक कमांड बताता है आपको, स्प्लिट सॉलिड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो फेस सिलेक्ट होगा, आपको राइट क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद बॉडी को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा आपका, देखो बता देता हूँ, सीधा देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका जो कंपोनेंट है ना, मैंने एक गलत सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार दोबारा से। सबसे पहले किसको सिलेक्ट करा, स्प्लिट सॉलिड, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपका बॉडी होगा, उस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, लाइक, ठीक है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद सिलेक्ट ही नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करा सबसे पहले, इसको सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे अंदर में जाके कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता। अब देखो इसको करने से क्या हो गया आपका, देखो ना यहाँ पे कितना इजी हो गया काम आपको, 3-4 कमांड नहीं लगाना पड़ा, सीधा आपका इंसर्ट निकल गया। लेकिन इसमें गड़बड़ है मेरे दोस्त, गड़बड़ यह है दिखाता हूँ, समझो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे ये मार्क आएगा, राइट, ये मार्क आएगा, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट में ये मार्क आ रहा है, ये जो मार्क आएगा ना, यहाँ पे मार्क आएगा, मैं कंपोनेंट में कोई मार्क नहीं लूंगा, सीधा ये वाला इंसर्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ एक बढ़िया तरीका। सीधा जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक सरफेस बनाना है मुझे, सरफेस बनाऊंगा, या इसको मैं एनलार्ज सरफेस कर दूंगा। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा टिपिकल नहीं करना चाहता हूँ मैं आपको, थोड़ा सिंपली कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है 0, एंजन फेस,
ठीक है। तो ये मेरा फेस आ गया, अब इस फेस को मैं एनलार्ज करूंगा, मतलब एक्सटेंड करूंगा बेसिकली। एक्सटेंड करने से पहले आपको ये वाला काम, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि मैं सारा चीज़ें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरा इंसर्ट को ले आता हूँ अब इसके बाद, ठीक है। अब इंसर्ट को ले आए, अब इसको जो है आगे की तरफ और, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऑफसेट कर दूंगा -5 mm का ऑफसेट सरफेस, ठीक है 5 mm, ठीक है 5 mm के लिए मैं रख रहा हूँ। 5 mm ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे मेटल वीक है, तो 5 mm, 6 mm, -6 mm, बाद में हम देखेंगे इसको जब मोल बनाऊंगा, अभी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं स्प्लिट कर दूंगा सिंपली, आप लोग को सीखने के लिए बता रहा हूँ ये तरीका। वैसे जब मोल्ड डिजाइन करूंगा तब भी बना सकता हूँ, और इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी बनाऊंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक्जेटिक और यहाँ पे एक बॉडी, बॉडी एक डुप्लीकेट बॉडी, एसोसिएटिक को ऑफ कर लिया। अब डुप्लीकेट जो बॉडी था उस बॉडी को मैं यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, कर दिया डुप्लीकेट बॉडी। देखो यहाँ पे हाइड है ना, यहाँ पे हाइड हो रहा है। देखो अब ये क्या करूंगा, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, इन दोनों सरफेस को गायब कर दूंगा, कर दिया। एक बॉडी मेरा हाइड होकर रखा है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको जाने के बाद इस फेस को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा क्या आ गया, इंसर्ट आ गया। अब इंसर्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा ना, तो केवीटी में कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ। अब ये रह गया ना कंट्रोल शिफ्ट, देखो कंट्रोल शिफ्ट बी में जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी में जाके इसको यूनिट कर दूंगा, ये जो इंसर्ट को जो लिया था, कर दिया इंसर्ट में, ले लिया। अब देखो इधर में ये आ गया। अब इसके बाद ये इंसर्ट को लाके यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं, समझ में आ गया। अब देखो ये जो इंसर्ट है ना, ये इंसर्ट इतना रहेगा, बस इतना सा एरिया रहेगा ये, क्योंकि इतना अगर मैं आर पार कर दूंगा ना, तो ये क्या होगा, मेरा केवीटी में पूरा इंप्रेशन आएगा, पूरा इंप्रेशन आएगा। इस तरीके से मैं स्लाइडर को यूज करूंगा। मैं भी यहाँ पे 6 mm रखा हूँ, इसको मैं और कम कर सकता हूँ, वो मैं देखूंगा बाद में जब इसको मैं मोल्ड डिजाइन करूंगा। तो ये वाला तरीका आपको कैसा रहा, इस तरीके से बनाओगे, एक लिमिट लगाना पड़ेगा और मोल आपका पूरा टकाटक चलेगा, कोई इंप्रेशन नहीं आएगा। इस तरीके से आपको मोल बनाना सीखना है। बहुत तरीके सिखाता हूँ मैं, बहुत तरीका सिखाता हूँ, आपको बस पता होना चाहिए कि मैं किस किस तरीके से सिखाता हूँ। जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उसको पता है, क्योंकि एक नहीं, जब मैं लाइव लेता हूँ तो लाइव क्लासेस में बहुत तरीका बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक घंटे का मैं लाइव नहीं लेता हूँ, वीडियो लेता हूँ, एक से डेढ़ घंटे से लेकर 2 घंटा हो जाता है, बात करते हैं 1 घंटे की, लेकिन वो लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बताने लग जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्लाइडर हो गया। स्लाइडर का कॉन्सेप्ट आपने समझ गया है ना, किस तरीके से होगा। अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाता, अगर मैं इसको स्ट्रेट बना देता इस तरीके से, तो ये मशीनिंग नहीं हो पाता। अब यहाँ पे देखो आराम से यह मशीनिंग हो जाएगा, ठीक है, आराम से मशीनिंग हो जाएगा। अब ये जो इंसर्ट है, अब ये बेसिकली सीधा नहीं रहेगा, ये ऐसे काटेगा। अभी के लिए तो मैं इंसर्ट निकल के दे रहा हूँ, इसको इसके साथ क्या लगाऊंगा, ब्लॉक होगा जिसके अंदर ये फिट होगा, तो ये ऐसे स्ट्रेट होगा, ऐसे स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये मशीनिंग के हिसाब से आपको बनाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम टॉप पार्ट में ले आते हैं, तो आपका ये स्लाइडर वाला बन गया है। अब जो है हम लिप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करके इसको ओपन इन विंडो में ले आऊंगा, ठीक है। अब लिप्टर भाई थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिप्टर जो है हमेशा केवीटी के टॉप पार्ट तक आता है लिप्टर, ठीक है, ध्यान रखना, अभी भी ऐसे खत्म नहीं करेंगे। फिर जाएंगे मैं यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स, बाउंड्री बॉक्स में गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाने की बात, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको इसको मैं पहले जो है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे। अब मेरा पॉइंटों में आ रहा है भाई, अब मेरा ये जो आ रहा है पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं उसको 1 में डालूंगा, फिर भी तो पॉइंटों में ही आएगा। इसको मैं 1.5 पार्सेट ऑफसेट कर देता हूँ, 1.5 या 2 mm पार्सेट ऑफसेट, 2 mm सफिशियंट है, 2 mm सफिशियंट है, लेकिन यहाँ पे भी फिर भी पॉइंटों में आ रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउंड वैल्यू करना पड़ेगा। राउंड वैल्यू करोगे ना तो ये पॉइंटों में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड वैल्यू में आपका ये पॉइंटों में नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरफ बेसी ज्यादा नहीं लाना है, क्योंकि इस तरफ क्या है आपका रिप्स है, तो यहाँ पे वीक स्केल बन जाएगा। या अगर इसको एक साथ में लेके बनाना है तो लेके बना सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एमएम होना चाहिए, 1.5-2 mm आप दे देना इसकी, इसलिए मैंने इसको कम रखा हूँ, इससे ज्यादा हो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑफसेट फेस ले रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ, टेंजेंट को हटा के सिंगल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
ये वाला फेस कोई दिक्कत? ये वाला फेस भी साथ में ले लो, ये भी ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ऑफसेट वाले फेस को मैं यहाँ पे हाइड करके रख दे रहा हूँ अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। रिप्लेस होने के बाद राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ये वाला ऑप्शन करने की बात, इसको मैं ले आऊंगा इधर में। ठीक है, अगर आप काम करते रहते तो आपके लिए असेंबली बहुत इजी हो जाएगा भाई, मतलब बहुत इजी आपके लिए अगर आप काम करते रहते हो तो। फिर इसको लेके यहाँ तक लाऊंगा क्योंकि लिफ्टर टॉप तक आएगा भाई। अब आप देखोगे ये तो लिफ्टर बाहर निकल के आया है, मतलब लिफ्टर में आपको एंगल वो देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा, प्लस आपको ड्राफ्ट देना पड़ेगा। तो मैं इसको 5 mm बाहर निकल के आता हूँ। 5 mm से हो जाएगा? नहीं, इसमें लिफ्टर क्या गाइड होना चाहिए, अगर ये कम रहेगा तो लिफ्टर क्या बैठ सकता है? प्रॉपर एरिया सही है ना, जब लिफ्टर ऊपर से बैठेंगे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेटल सही है ना, दिमाग डैमेज हो सकता है क्योंकि जो कैविटी वाला पर्सन यहाँ पे हीट करते रहता है। तो यहाँ पे इसको गाइड करने के लिए क्या सही है? इसको रेस्टिंग सही है, इसको रेस्टिंग सही है। तो इसको 5 की जगह 8 कर दूंगा। ठीक है, 8 कर दिया मैंने, लेकिन अभी एंगल ऊपर से दूंगा ना या नीचे से दूंगा वो भी देखूंगा मैं, ऊपर से दूंगा कि नीचे से दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप कहानी, अब एंगल जो है अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा कितना डिग्री चलेगा क्या चलेगा, इसको हम बाद में करते हैं, अभी तो मैं बस इंसर्ट बना रहा हूँ। अब आपने जो ये कहानी बना रखा था ना ऑफसेट का, इसको लाओ, लाने की बात सिंपली ये जो होल है इसको बंद करना है। इसमें जाएंगे बंद करने के लिए, डिले डेज में जाएंगे, डिले डेज में जाने के बाद इसको हम कहानी कर देते हैं, बंद हो गया। अब आपने को करना है सिंपली स्प्लिट, इसको सिलेक्ट करना है, फेस लेना है और बस बस, समझ गया ना? ओके, सेट कर दिया। अब इसको जो हम इसको भी हम ओ, कहीं पे सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट, ठीक है, डिलीट सॉलिड बॉडी ये वाला और ये वाला डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद सॉलिड बॉडी को हटा के सीट बॉडी को दिया। तो ये मेरा बेसिकली लिप्टर का क्यों बन गया। अब देखो यहाँ पे एंगल बनेगा तो ऐसे कोई नहीं है, मैं अगर एंगल भी अभी के लिए फिलहाल कुछ डाल देता हूँ मैं, लेट्स से बाद में इसको हम चेंज करेंगे, मैं नहीं डालना चाहिए, मैं दिखाने के लिए आपको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो इसको एंगल में डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम एंगल में दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, मिरर कर देते हैं बोथ साइड। समझ में आ रहा है ना क्या क्या तरीका से मैं बना रहा हूँ, क्या क्या तरीका आपको यूज करना है? तो बहुत सारा तरीका सिखाऊंगा, अभी क्लास में आओगे तो बहुत पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से हम जो है इसकी लिप्टर बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया लिप्टर कैसे बनाना है? अब बहुत काम बाकी है दोस्त, अभी बहुत काम बाकी है। अभी हमने क्या करा, कोर केवीटी लिप्टर इंसर्ट स्लाइडर इंसर्ट आपको बना के मैंने दिखा दिया। अब मैं आता हूँ टॉप पार्ट में, अब इसको मैं कंट्रोल यू कर देता हूँ, अब इसको सेव कर लेता हूँ। सेव भी करना है, कैसे करना है? सेव तो सेव बेस करना है नहीं, सेव ऑल करना है, और वैसे इंडिविजुअल पार्ट को सेव करते रहना बनने के बाद। सेव ऑल मतलब सारा असेंबली पार्ट आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार कोड को दिखा देते हैं। कोड आपका ये हो गया, केवीटी आपका ये हो गया। ठीक है, हम इसमें इंसर्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत मशीनिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कितना मशीनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये मैं नहीं सिखाता हूँ, ये पार्ट 35 mm नहीं, हम इंसर्ट डालेंगे इसको। ये वाला कंपोनेंट मैं क्लास में नहीं सिखाता हूँ, इससे आगे सिखाता हूँ, ये तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, इससे एडवांस सिखाऊंगा आपको, आओगे तो बहुत सारा चीज़ें एक बार पता कर लो, आपको पता लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, किसी चीज़ को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो भी क्लास लेना चाहते हैं नंबर मेंशन थे वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं पार्ट शेयर कर दूंगा, ट्राई करना है तो घर पे ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।